भाई क्या हो कि जो रक्षक हो वही भक्षक बन जाए, यानी वही जानलेवा बन जाए। सोचो आप बीमार पड़ते हो और इसमें पहला काम क्या करते हो, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपका चेकअप करता है, देन उसके बाद कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करता है और कहता है कि इन दवाइयों को खा लेना और आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। लेकिन बाद में आपको पता चले कि वो दवाइयाँ खराब क्वालिटी की हैं या फिर उन पर कोई प्रॉपर ट्रायल टेस्ट नहीं हुआ है, जिसे खाकर आप ठीक होने वाले थे, बजाय ठीक होने के आपकी तबीयत उससे भी ज़्यादा बेकार हो जाए और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए और बात यहाँ तक पहुँच जाए कि आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाए, तब किस पे ट्रस्ट करोगे आप भाई? जान से कीमती और चीज़ और क्या हो सकती है, जिस पे हम भरोसा करते हैं मेडिकल लाइन पर, जिसे हम एक भगवान का दर्जा देते हैं, और जब वही मेडिकल लाइन में खोट देखने को मिले तो फिर और किस पे ट्रस्ट कर सकते भाई? एक पिल नाम की वेब सीरीज आई है जो इसी सेम जॉनरा को कॉपी करती है, इसी सेम जॉनरा को फॉलो करती है। जो आज का करंट जमाना है भाई सब, पूरा सीरियस मुद्दा उठा के इन्होंने रखा है और उसको इतना ड्रामेटाइज वे में दिखाने की कोशिश करी है जो आप बिल्कुल कनेक्ट करके जाओगे, क्योंकि ये अपने आसपास की ही कहानी है, ये अपने आज की ही कहानी है। कुछ एक बिजनेसमैन जो पैसे कमाने में इतने अंधे हो चुके हैं, जिन्हें सिर्फ प्रॉफिट के अलावा और कुछ नहीं सोचता, उन्होंने मेडिकल लाइन में भी उसे सिर्फ एक धंधा बना दिया है जिसे लोग भगवान की तरह पूजते हैं, और इसी चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से इस पूरी वेब सीरीज में दिखाया गया है। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में इस वेब सीरीज को कंप्लीट कराया गया है और व्हाट अ फाइन डायरेक्शन भाई साहब, इसने जो काम किया है ना एज लॉजिकल वे में, एज नेचुरली, पूरा जो सीरियस एंड टेंस का माहौल इसमें देखने को मिलेगा भाई साहब, पूरी वेब सीरीज इसी चीज़ को एड्रेस करती है। या आजकल के करंट ज़माने में भाई आप सुनते होंगे कि नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, भाई वो पेपर जहाँ से डॉक्टर बनता है और वो डॉक्टर फर्जीवाड़े से बनाए जा रहे हैं, जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो फिर ऐसे में किस पे ट्रस्ट करोगे? वो दवाइयाँ जो मार्केट में चलाई जा रही हैं भाई साहब, उन पे खराब क्वालिटी इस्तेमाल करा जा रहा है, खराब इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करा जा रहा है, देन उसके बाद बहुत सी ऐसी इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले भी नहीं जा रहे हैं जिनकी वजह से उस दवाई की वैल्यू बढ़े या फिर उससे लोगों को अच्छा क्योर मिल सके, देन उसके बाद भाई प्रॉपर ट्रायल टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जो हमने कभी कई बार अभी पिछले कोविड पैंडेमिक के टाइम पर ही देखा था, ऐसे ड्रग मार्केट में उतारे गए थे, ऐसा डोज उतारा गया था जिसका प्रॉपर ट्रायल टेस्ट भी नहीं हुआ था, जिसका खामियाजा बहुत लोगों को अपनी जान से भी भुगतना पड़ा था। और यही चीज़, ये सारी चीज़ें भाई साहब वेब सीरीज पूरी एड्रेस करती है। वो पिल जिन पे प्रॉपर ट्रायल टेस्ट नहीं होता है और वो किस हद तक लोगों को सिर्फ बीमार नहीं करती है, लोगों की जान ले के मानती है, वो सारी चीज़ें ज़बरदस्त दिखा रखी है। तो भाई साहब पिल वेब सीरीज इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली एड्रेस करती है। एक ऐसा बिजनेसमैन है और एक फॉरेवर क्योर का फार्मा करके कंपनी है जो ये सारी चीज़ें धड़ल्ले से करती है, बिना प्रॉपर ट्रायल टेस्ट के कुछ चंद ऐसे अधिकारियों को खरीद देती हैं, कुछ पैसे देकर सत्ता के उन सिस्टम को, उन अधिकारियों को खरीद कर, जिन पे भाई साहब वो ट्रस्ट की लॉयल्टी सेट होती है या फिर वो ट्रस्ट सेट होता है कि भाई साहब यहाँ से वो चीज़ क्योर होके आई है या यहाँ से वो चीज़ ठप्पा लग के आई, इट मीन्स ये कि ये कंज्यूमेबल है और हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो नहायत ही बेवकूफ़ों को ही खरीद के अपना प्रोडक्ट मार्केट में धड़ल्ले से उतार रहे हैं, और उस कंपनी का काम दवाई बेचना नहीं है, उस कंपनी का काम है सीधा सीधा प्रॉफिट बनाना, प्रॉफिट में एक ज़बरदस्त नंबर सेट करना कि भाई इस बार हमने इतने का प्रॉफिट किया है, और वो भी लोगों की जान से खिलवाड़ करके। पर हर शैतान के लिए एक मसीहा तो जरूर होता है, जो रितेश देशमुख ने वो काम किया है एज डॉक्टर प्रकाश। भाई ये बंदा पूरी वेब सीरीज में पूरी जद्दोजहद, पूरी कोशिश करेगा इस कंपनी को बंद कराने के लिए, इसकी सच्चाई को लोग सामने लाने के लिए, लॉफुली पूरे वो काम करने के लिए, और साथ में उन नहायती दरिंदों को भी ये सबक सिखाएगा जो जिन पे ट्रस्ट करती है जनता, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिन्हें सिचुएट करा गया है कि भाई साहब तुम्हारा काम है इनकी क्वालिटी को चेक करना, लेकिन उन्हीं क्वालिटी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करके मार्केट में उन दवाइयों को उतरवा रहे हैं। तो इन सब पूरी जो भी ये सारा सिस्टम तैयार करा गया है पूरी वेब सीरीज में भाई, वो फुल नेचुरल वे पे है। इतना सीरियस एंड टेंस का माहौल आपको देखने को मिलेगा इस पूरी वेब सीरीज में भाई साहब। डायरेक्शन की बात क्या दादू दमदार है, कैसा पावरफुल बिजनेसमैन जिसे भाई नहीं लड़ सकता कोई एक आम आदमी, क्योंकि उसका पूरा हथियार पैसा है और पैसे के दम पे वो किसी को भी खरीद सकता है और पैसे के दम पे वो हर कुछ भी करवा सकता है, जहाँ तक की जान भी ले सकता है। और सीरीज फुल एंगेजिंग है, 8 एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे, शुरुआत से ही जो एंगेजमेंट आपका इस शो बनेगा भाई, आप एपिसोड टू एपिसोड फुल एंगेज होते जाओगे, लास्ट एपिसोड तक पहुँचते पहुँचते आप खुद इतने एंगेज हो जाओगे कि भाई खुद क्योर निकालने की कोशिश करोगे, खुद रास्ता ढूंढने की कोशिश करोगे, और ऐसे कॉन्टेंट मार्केट में नहीं उतरते हैं जो मैं चाहूँगा कि एक एक लोग देखे भाई, क्योंकि ये अपने करंट सोसाइटी का सच है भाई साहब।
बाकी सपोर्टिंग कास्ट की अगर बात करें और भी करेक्टर्स की अगर बात करें इसमें तो कोई इतने बड़े चेहरे नहीं है, लेकिन सपोर्टिंग रोल में जिन जिन ने भी काम किया है और निगेटिव रोल में भी जिन जिन ने काम किया है, भाई ऑसम है सबका, डिड अ फैंटास्टिक जॉब। और साथ में रितेश देशमुख की जो टीम है, दो बंदे, एक वो जर्नलिस्ट का रोल प्ले करेगा रूह खान और एक वो जो मेडिकल इंस्पेक्टर का रोल प्ले करेंगी गुरसिमरत कौर, भाई दोनों चेहरे मेरे लिए तो नए थे लेकिन बहुत प्यारा काम कर रखा है। तो करेक्टर्स सब कुछ ऑसम है, वेब सीरीज बहुत प्यारी है भाई। मिर्जापुर को जितनी एक्साइटमेंट के साथ देखते हो उतनी एक्साइटमेंट के साथ इस वेब सीरीज को भी एक बार फर्स्ट एपिसोड देख लेना, देन उसके बाद आप खुद ही देखने लग जाओ, क्योंकि ये आपको फुल जोड़ के रखेगी, फुल कनेक्ट करके रखेगी वहाँ तक। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।